नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे, इसी मनोकामना के साथ आज मैं तांत्रिक सीताराम शास्त्री जी का शिष्य हाजिर हूँ आपके लिए एक और शास्त्री जी द्वारा बताई हुई एक और विधि लेकर। इस विधि में हम आपको बताएंगे कि लौंग और कच्चे दूध से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाले सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार मित्रों, विधि बताने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी आपको विधियाँ बताते हैं वो सभी विधियाँ तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसा ही करें, क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः विधि देखकर वैसा ही करें जैसे बताया गया है। तो मित्रों, बात करते हैं विधि की। तो विधि में सबसे पहले हम जानेंगे समय। तो मित्रों, इस विधि को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वार को कर सकते हैं, किसी भी पक्ष में कर सकते हैं। किसी दिन की कोई भी पाबंदी नहीं है, पक्ष की कोई भी पाबंदी नहीं है, चाहे कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, आप ये विधि किसी भी पक्ष में कर सकते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आपको ये विधि करनी है, क्योंकि मित्रों ये विधि दिन की है तो दिन शाम को नहीं होगी। सूर्यास्त से पहले पहले आप इस विधि को कर सकते हैं और सूर्योदय के बाद ये विधि शुरू कर सकते हैं। और मित्रों ध्यान रहे, महिलाएं कठिन दिनों में इस विधि को बिल्कुल भी ना करें। जब वह स्वच्छ हों, शुद्ध हों, तभी इस विधि को करें। और चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, मांस मदिरा का सेवन करके इस विधि को बिल्कुल भी ना करें। जब वह शुद्ध रहे तभी इस विधि को करें। तो मित्रों विधि पे आते हैं। सबसे पहले विधि में सामग्री हमें क्या क्या चाहिएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। मित्रों तीन दिनों का उपाय है, तीन दिन ये उपाय चलेगा। तो तीन दिन तक रोज हमें ये एक लौंग चाहिएगा। रोज एक लौंग साबुत होना चाहिए, लौंग खंडित ना हो ये ध्यान रखिएगा। साबुत लौंग चाहिए, पूर्ण लौंग चाहिएगा। और चाहिएगा कच्चा दूध, रोज एक गिलास कच्चा दूध हमें चाहिएगा। और अब विधि को शुरू करते हैं। मित्रों सबसे पहले हमें विधि में करना ये है कि जो ये लौंग है, साबुत लौंग, पूर्ण लौंग, इसको हमें इस कच्चे दूध में डाल देना है। एक गिलास में एक लौंग जाएगा और फिर इसे अभिमंत्रित करना है। मित्रों महादेव का ये उपाय है, इसमें शिव जी का पूरा पूरा योगदान रहेगा आपके वशीकरण में। तो सबसे पहले हमें इसको सीधे हाथ में लेकर अभिमंत्रित करना होगा। मित्रों मैं मंत्र बोल देता हूँ, ठीक है। मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं हो, मंत्र एकदम सही बोलना है। क्योंकि मित्रों विधि तभी काम करेगी जब आप मंत्र को एकदम सही से बोलोगे। अगर मंत्र में कोई गड़बड़ हो गई तो विधि का असर नहीं होगा और जो आपको परिणाम चाहिए इस विधि को लेकर वो परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। तो मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, पिक्चर चला दी जाएगी, मंत्र को एकदम ध्यान से बोलिएगा। मंत्र है, ओम शिवलिंगाय सामने वाले का नाम वशम कुरु ओम। फिर से बोल देता हूँ मैं मंत्र को। मंत्र है, ओम शिवलिंगाय सामने वाले का नाम वशम कुरु ओम। 251 बार आपको इस मंत्र का जाप करना होगा। 251 बार जाप कर लेने के बाद आप तुरंत नज़दीक में जो भी शिव मंदिर है, जो भी महादेव का मंदिर है, उस मंदिर में और वहाँ पर विराजमान शिवलिंग पर ये आप दुग्धाभिषेक कर दोगे। ये कच्चा दूध पहले तो अभिमंत्रित करेंगे लौंग डालकर, और फिर उस मंदिर में जाकर शिवलिंग पर आप इसे दुग्धाभिषेक कर दोगे। और उसके बाद सीधे घर आओगे, पीछे कहीं मुड़कर नहीं देखना है। मित्रों सीधे घर आकर हाथ मुंह धोकर अपने काम में लग जाएंगे। चाहे आप स्नान भी कर सकते हैं या हाथ मुंह धोकर अपने काम में भी लग सकते हैं। ये तो हो गया मित्रों पहले दिन का कार्य, पहले दिन का कार्य कर दिया आपने। दूसरे दिन भी आपको यही करना है, सुबह उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होना है और फिर एक लौंग लेना है और एक और कच्चे दूध का गिलास लेकर उसमें ये लौंग डाल देंगे और फिर इसे अभिमंत्रित कर देंगे। रोज एक लौंग और रोज एक गिलास कच्चा दूध हमें चाहिएगा तीन दिनों तक। फिर से आप इसको सीधे हाथ में लोगे और फिर अभिमंत्रित करोगे। मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है, ओम शिवलिंगाय सामने वाले का नाम वशम कुरु ओम। 251 बार मंत्र बोलोगे और फिर उसी मंदिर पे, जिस मंदिर पे आप पहले दिन गए थे उसी मंदिर पर जाकर ये दूध को आपको अर्पित कर देना है। दुग्धाभिषेक महादेव की शिवलिंग पे कर देना है।
ये आपको 3 दिन तक कार्य करना है, रोज़ एक एक लौंग लेना है, कच्चे दूध में डालना है, अभिमंत्रित करना है और तुरंत शिव जी के शिवलिंग पर जाकर उसे अर्पित कर देना है। 3 दिन में 3 लौंग 3 कच्चे दूध के गिलास आपको शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक में देने हैं और 3 दिन का ये उपाय आपका पूरा हो जाएगा। और उपाय होने के बाद आपको जल्द ही इसका परिणाम मिल जाएगा। जिसके लिए भी आप ये विधि कर रहे हैं मित्रों, वो पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा। मित्रों कीजिए विधि को, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, जो आपको चाहिए आपके जीवन में, जिससे आपको आप प्यार की इच्छा है वो आपको मिल। मित्रों विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी हर समस्या को जड़ से ख़त्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की हर जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता दी।